Hi everyone, welcoming all of you to the Genius Professor. This is me, your Abhishek sir, your Master Teacher of Chemistry. So, आज हम लोग करने वाले questions with answer. So, this is a part one of this module. और ये पहला part है, very short answer types question का. सारे के सारे questions में one mark के कराने वाला हूँ. Okay? Question bank के सारे questions है, easy questions है. So, let us discuss about solid state. The first question is, write the effect on density of a substance in the Frankel effect. बोल रहा है कि सर, डेंसिटी का इफेक्ट क्या पड़ता है फ्रैंकल इफेक्ट में ये बताओ. तो इसको जरा समझने की कोशिश करो. सपोज यू हैव एनायन ओवर हियर, फिर यहाँ पर एक कैटायन है, फिर वापस से यहाँ पर एक एनायन आना था पर वो मिसिंग है अपने प्लेस से, फिर एक कैटायन हो गया. इतना समझ में आया ना. अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कैटायन है फिर ये एनायन है, ओके, फिर वापस से यहाँ पे कैटायन और ये एनायन, तो ये जो मिसिंग था वो यहाँ पर आकर के बैठ जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर. अगर मैं एज अ होल देखूंगा तो मुझे वो कहाँ पर मिलेगा, अभी भी मेरे क्रिस्टल के अंदर ही मिलेगा. तो इसका मतलब डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज रिमेन अनचेंज एज द नो आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल दैट इज एज अ होल. ये वर्ड लिखकर आना तो मार्क्स मिलेगा, ठीक है. होल चेंज नहीं पड़ता, ओके, इसके अंदर ही है क्रिस्टल के अंदर. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द ब्रेवेस लैटिस इन द ट्राइक्लिनिक सिस्टम के अंदर. ब्रेवेस लैटिस का नाम लिख करके बताओ ट्राइक्लिनिक सिस्टम के अंदर. तो देखो इसका आंसर ना आप तीन तरीके से लिख सकते हो, आइदर यू कैन राइट सिंपल और प्रिमिटिव. अगर ये दोनों भी याद नहीं आएगा तो एस सी सी लिख देना, ठीक है. पूछा था कि ब्रेवेस लैटिस ट्राइक्लिनिक सिस्टम के अंदर कौन सा है, तो फिर ये सिंपल है, आइदर प्रिमिटिव आइदर एस सी सी, तीनों भी एक ही है. सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम रिड्यूस सिलेबस, तो हम लोग ये नहीं करने वाले. वॉट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये आएगा भी नहीं. चलिए नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन इज गिव वन प्रॉपर्टी कॉमन टू बोथ एस सी पी एंड सी सी पी क्रिस्टल लैटिस. बोला कि सर कोई एक प्रॉपर्टी बताओ जो कि कॉमन है एच सी पी यानी कि हेक्सागोनल पैकिंग में और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में. तो देखो यहाँ पे मैं आपको दो प्रॉपर्टी बताता हूँ. सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, एंड पैकिंग इफिशियंसी इसकी 74% है, ऑल्सो हैविंग अ 74% पैकिंग इफिशियंसी. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम डिलीटेड सिलेबस, तो ये हम लोग नहीं करने वाले. नाउ मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बीसीसी यूनिट सेल. ये आपको डायग्राम ड्रॉ करने को बोल रहा है बीसीसी यूनिट सेल के लिए, एक मार्क के लिए पूछा गया है क्वेश्चन बैंक में. तो मैं जैसे आपको सिखा रहा हूँ वैसे मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ फोर डॉट्स, एक दो तीन चार, ये चार डॉट ड्रॉ कर लो. इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करो, वन टू थ्री फोर. तो इसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, इन डॉट्स को मिलाना है कुछ इस तरीके से, सेम कलर वालों को मिला दो, ओके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है आपको, ये ध्यान रखना. फिर इसके बाद ये हो गया, फिर जस्ट आपको क्या करना है लास्ट में फाइनल में इन ब्लैक वाले डॉट्स को मिला दो इस तरीके से. और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसमें, मैं वो बताता हूँ अभी. आप बीसीसी के अंदर कैसा रहता है बेटा, एक यूनिट जो रहता है ना, एक एटम, वो सेंटर में भी होता है. फिर आपको क्या करना है, एक एटम यहाँ पर बना देना है. तो ये बीसीसी का स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल था ना. पहले डॉट्स बनाओ चार, उनको मिलाओ, फिर दूसरे चार डॉट्स को मिलाओ, फिर उन दोनों को मिला दो ऐसे ऐसे करके, फिर एक सेंटर में बना दो. दिस इज अ डायग्राम ऑफ बीसीसी यूनिट सेल. सो नाउ मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन, द सेवंथ क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल इज एन बाय टू. पूछे कि सर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना फॉर्म होगा इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल इज एन बाय टू. जितना नंबर ऑफ एटम है ना वो एन बाय टू है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना फॉर्म होगा, ठीक है. तो ये सिंपल है एकदम, देखो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू टू इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन पैकिंग. जितने एटम आपके इन्वॉल्व है पैकिंग में उसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे टू से तो अपने को नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिल जाएगा. सो नाउ मूविंग टू द एट्थ क्वेश्चन, गिव द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल. तो परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ. सपोज यू हैव अ बॉक्स ओवर हियर, ऑलराइट, इस बॉक्स की अंदर पैकिंग आप 100% कर सकते हो. अगर आपने इसके अंदर कुछ सामान रखा जिसने 68% ही स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो फिर आपको एम्प्टी स्पेस यानी कि वॉइड निकालना है कि अभी भी आप इसमें कितना सामान डाल सकते हो. तो आप कैसे निकालोगे, 100-68 कर दोगे राइट, तो आ जाएगा 32% एम्प्टी स्पेस की जगह पर. अगर वॉइड पूछ लेगा तो भी समझ जाना सेम ही चीज पूछ रहा है, ठीक है, कि खाली स्पेस कितना है बीसीसी के अंदर, तो 32% है, ठीक है. इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है आपको. ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नाइन्थ क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो. इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ पर ऐसे पूछेगा एस सी सी टोटल वॉल्यूम दे रहा है और पूछा कि सर पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया. ऑलराइट, सो देखो यहाँ पर इसका आंसर कुछ इस तरीके से आपको लिखना है. पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एस सी सी अपने को पता है 52% आता था राइट, तो फिर ये हम लोगों ने निकाला 0.524.
उसको जस्ट 52 को 0.524 कर दिया है। तो इसके अंदर देखो ये फॉर्मूला याद रखो, वॉल्यूम ऑफ ए पार्टिकल अपन वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। तो इसमें ध्यान से देखो आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इतना दिया हुआ है। ठीक है, क्या निकालने को बोला है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, मतलब ऊपर वाला निकालने को बोल रहा है। तो आप सिंपली जैसे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कुछ इस तरीके से 0.524, ऑलराइट। और ये देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये कितना दिया है, 6.817। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 6.817 इनटू 10^-23। तो जस्ट मुझे क्या करना है, ये वॉल्यूम ऑफ ए पार्टिकल निकालना है। तो फिर इसके नीचे डिवाइड में, तो वहां जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फिर 0.524 से इस पूरे वैल्यू को मेरे को क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। तो फिर मुझे ये आंसर मिल जाएगा, ऑलराइट। मल्टीप्लाई करके एक बार ट्राई करना है इसको। सो नाउ मूव टू द 10th क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्मड इन 0.5 मोलाल ऑफ ए कंपाउंड, जो कि इसका इतना पोर्शन में यूज कर रहा हूँ SCP का स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना फॉर्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझा ना। तो देखो इसके लिए जस्ट आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ एटम्स, मेरे साथ बोलिए, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू ये जो वैल्यू दे रहा है इसकी 0.5, ठीक है, जितना कंपाउंड का इन्वॉल्व है, इनटू NA करना है। NA मींस एवोगाड्रो नंबर, ऑलराइट। तो जस्ट 0.5 को मल्टीप्लाई करो एवोगाड्रो नंबर से। तो देखो कहाँ पे मिस्टेक होता है वो बता दो। सबसे पहले एवोगाड्रो नंबर याद कर लो, क्या होता है, 6.022 इंटू 10^23। अब देखो ये जो 0.5 है ना, इसको आपको ना ऐसे लिखना है 1/2। क्यों, ध्यान से देखो इसको, अभी इसको हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, सो क्या हो जाएगा, ये 2 से तो जाएगा नहीं, ऑलराइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर पे 0 लगाना पड़ेगा। तो इट मीन 0.25 is 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.5 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2। तो आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग ओवर हियर 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10^23। इतना समझ में आया ना। अब देखो इस 2 को इससे कैंसिल करो, 2 3 6, ऑलराइट, 0.2 1 2, फिर 2 1 2, तो कितना आ गया बेटा, 3.011 इंटू 10^23। देखिए आंसर आ गया, ऑलराइट, सिंपल था एकदम। जस्ट ये फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू जितना दे रहा है इंटू एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर याद रहेगा 11 से करते आ रहे हम लोग, 6.022 इंटू 10^23। फिर 0.5 को कन्वर्ट कर दो 1/2 में, फिर इसको जस्ट इससे कट कर दो, तो आ जाएगा 3.011 इंटू 10^23। आई होप समझा होगा, ऑलराइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, सॉल्यूशंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपके पास ना 2 सॉल्यूशंस है, ऑलराइट, ध्यान से समझो इसको, यू हैव अ 2 सॉल्यूशंस ओवर हियर। इन दोनों सॉल्यूशंस का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है, ऑलराइट। तो इसमें से जो मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा, सपोज दिस सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हायर है, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक बोलेंगे। समझ में आया, वापस से समझाता हूँ। देखो आपके पास ना 2 सॉल्यूशन है, इन दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल नहीं है, और ये जो एक सॉल्यूशन है ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एकदम, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर है इसके लिए, तो ऐसे सॉल्यूशन को मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सुक्रोज सॉल्यूशन एंड यूरिया, तो इसमें सुक्रोज सॉल्यूशन है ना ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है और इसका ऑस्मेटिक प्रेशर हाइयर है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इतना समझ में आता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज गायरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। तो एकदम सिंपल है, देखो ध्यान से, अ डिप्रेशन इन फीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। सपोज कोई एक फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, उसके अंदर डिप्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है, ऑलराइट। कैसे प्रोड्यूस होता है, जब आप 1 मोलाल नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उसके अंदर ऐड करते हो। समझ में आया क्या, देखो ध्यान से, आपके पास ना कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो डिप्रेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। कैसे, जब आप उसके अंदर 1 मोल नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हो। नॉन वोलाटाइल मतलब सॉल्यूट का मतलब ऐसा सॉल्यूट होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100°C से ज्यादा होता है। आई होप समझा होगा ये। सो नाउ मूव टू द 3rd क्वेश्चन। सो द 3rd क्वेश्चन इज राइट द इफेक्ट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट। इसको ध्यान से समझो, इसमें क्या बोल रहा है कि सर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब आप पानी में डालते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान से सुनो, व्हेनेवर यू ऐड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इनटू वाटर, तो ये इसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है। क्या करता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है और फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है। समझ में आ गया ना, जब भी आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को पानी के अंदर डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट में बताया। सेकंड पॉइंट में ये बताया कि सॉलिड लिक्विड कर्व फॉर ए सॉल्यूशन क्रॉसेस द लाइन करस्पॉन्डिंग टू पी इक्वल टू 1 atm। ये लाइन को क्रॉस कर देगा, जो पी इक्वल टू 1 atm है ना, इस लाइन को ये क्रॉस कर देगा एट ए लोअर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, देन द कर्व फॉर ए प्योर वाटर। प्योर वाटर के कर्व को देखोगे तभी आपको ये समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। सो नाउ मूविंग टू द 4th क्वेश्चन। द 4th क्वेश्चन इज राइट द एक्सप्रेशन फॉर ए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से इसको।
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखने को बोल रहा है। तो यहाँ पे समझ लो पी क्या होता है, पी इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट। मेरे साथ बोलिए पी क्या है, वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का। और जो पी एस है वो वेपर प्रेशर किसका होगा, ये देखो ये एस है ना, तो इसका मतलब ये किसका है, सोल्यूशन का है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, जस्ट इस सॉल्वेंट को माइनस करो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से, वापस से डिवाइड कर दो इसको सॉल्वेंट से। ठीक है, ध्यान से समझो, वापस से सॉल्वेंट को सबसे पहले क्या करोगे, माइनस करोगे सोल्यूशन से, फिर डिवाइड कर देना रिटर्न सॉल्वेंट से, तो आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल जाएगा। इसका न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। सो नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन इज स्टेट रॉस्टॉ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको, ये आएगा एग्जाम में। इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। पार्शियल वेपर प्रेशर, देखो पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब क्या हो गया, पी क्या हो गया बेटा बोलो, पी क्या है, इक्वल है वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट। जब भी प्योर बोलेगा ना तो समझ जाना कि नॉट लगाना है, क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ऑलराइट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से। तो यही हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट, प्योर बोला तो डॉट, मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, दैट्स इट, सिंपल था रॉड्स लॉ। ऑलराइट, तीन डिजिट याद रखना है, पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल है प्योर कंपोनेंट के मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन से, दैट्स इट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का ऐसे एक और क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट हेनरीज लॉ, मतलब ये डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। तो ये भी सिंपल है, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, प्रेशर के गैस ओवर ए सॉल्यूशन, समझा ना, सॉल्युबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रेशर के। तो अब देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट, अपने को पता है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यानी कि के, के इनटू पी। अब देखो ये किसका है, हेनरी का है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, इतना क्लियर हो गया ना, एस इक्वल टू के एच इनटू पी। अगर ये नहीं भी लिखा होगा तो भी चलेगा। ऑलराइट, जस्ट मैं सिंपली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इसका फॉर्मूलाज भी, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। नाउ मूविंग टू द सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। ऐसे कौन से टाइप का सॉल्यूशन है जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है फ्रॉम रॉड्स लॉ। तो देखो ये दो याद रखो, इथेनॉल प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। मैंने आंसर को इस तरीके से डिजाइन किया सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो इसमें भी एसीटोन है, इसमें भी एसीटोन है, डिफरेंस कहां पर है, इथेनॉल और कार्बन डाइसल्फाइड। सो नाउ मूविंग टू द एट क्वेश्चन, द एट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज एंड वॉल्यूम चेंज ऑफ ए मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन। बोल रहे कि सर एंथैल्पी और वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज होता है जब दो कंपोनेंट को मिला करके आप आइडियल सॉल्यूशन बनाते हो। तो देखो हीट इज इन्वॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड व्हेन टू कंपोनेंट्स फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स। ठीक है, कोई भी हीट इवॉल्व नहीं होगी ना ही ऑब्जर्व होगी जब आप दो कंपोनेंट को मिला करके आइडियल सॉल्यूशन बनाओगे। तो एंथैल्पी की स्पेलिंग में देखो एच आता है ना, तो इसका सिंबल याद रखना डेल्टा एच होता है। तो ये भी जीरो होता है, वॉल्यूम के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब दो कंपोनेंट मिलते हैं आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो दोनों भी क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। आई होप समझा होगा। सो नाउ मूविंग टू द नाइन्थ क्वेश्चन, द नाइन्थ क्वेश्चन इज, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड ए एंड बी इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली एट ए सर्टेन टेम्परेचर पे। ऑलराइट, सबसे पहले आपको क्या दिया, वेपर प्रेशर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी वन, और ये हमारा हो जाएगा पी टू, किसी एक टेम्परेचर पे। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं एक्स से ऑफ ए सॉल्यूट व्हेन द टोटल वेपर प्रेशर, अपने को टोटल वेपर प्रेशर दे रहा है यानी कि पी। क्वेश्चन समझा रहा, सो देखो मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है एकदम, ध्यान से देखो। ये देखो जो डेटा आपको दिया मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या है वो ध्यान दो, पी इक्वल टू पी टू माइनस पी वन नॉट, यहाँ पे पी टू नॉट कर लेना। ओके, ये दोनों का दोनों किसके लिए दिया, प्योर के लिए दिया है, याद रखना जब भी प्योर आएगा तो नॉट लगता है। तो पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट इंटू एक्स प्लस पी वन नॉट, तो जस्ट सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो पी, पी यानी कि टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया, 0.8, तो मैंने यहाँ पे 0.8 रख दिया। इसके बाद पी टू नॉट, पी टू नॉट देखो यानी कि सेकंड वाला, सेकंड वाला कितना, 0.933, तो 0.933 आ गया। इसके बाद फर्स्ट वन पी वन नॉट यानी कि 0.600, ऑलराइट, तो इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स से, एक्स तो अपने को फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन है ये, प्लस पी वन नॉट, पी वन नॉट है हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट वन का, तो ये हो गया 0.600। ऑलराइट, जस्ट आप क्या करो, इसको सिंपली माइनस करो, इसको और इसको जब माइनस करोगे तो 0.33 आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये प्लस 0.6 से तो वहां चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 0.8 माइनस 0.6 दिस विल बी कम्स आउट टू बी 0.2, और ये 0.33 इसके साथ क्या, एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में, देखो ना यही वाला जो हम लोगों ने माइनस करके निकाला है, ये क्या मल्टीप्लीकेशन में, तो वहां पे चले जाएगा डिवाइड में। तो जस्ट इसको लॉग बुक के थ्रू सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपको 0.600। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग टू द टेंथ क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड इज इतना एट ए सर्टेन टेम्परेचर व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इनटू इट, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज फॉर्म टू बी इतना व्हेन ए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो पूछ रहा है कि
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या पूछा है? व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? देखो सबसे सिंपल है, मैं बताता हूँ, देखो क्वेश्चन को समझो पहले। वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दे दिया है, ओके ठीक है, किसी एक टेम्परेचर पे। जब उसके अंदर आप एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व करते हो, क्या ऐड करते हो? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व करते हो, तो उसका वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है इतने में, ऑलराइट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है कि मतलब कितना चेंज हो रहा है जब आप एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को उसके अंदर ऐड कर रहे हो। वेपर प्रेशर तो बता दे रहा है, पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ, एकदम सिंपल है ये, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट। डेल्टा पी क्या होगा सोचो खुद से, अभी हम लोगों ने देखा था पी वन नॉट माइनस पी वन डिवाइडेड बाय पी वन नॉट, मैंने बताया था ना फॉर्मूला यूज होगा आगे। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। पी वन नॉट, पी वन नॉट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट ये, तो इसकी जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 0.043। माइनस करना है पी वन से, पी वन कितना है, इतना दिया है, देखो ना वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी इतना, तो फिर 0.041 इसको डिवाइड करो पी वन नॉट से, यानी कि 0.043, ऑलराइट। जस्ट इसको माइनस करो, माइनस करोगे तो देखो क्या आ जाएगा 0.002 डिवाइडेड बाय 0.043, समझा। अब इसको लॉग बुक के थ्रू डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपको 0.0465। आई होप आपको समझा होगा। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 आयनिक इक्विलिब्रियम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बफर सॉल्यूशन व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन पीएच ऑफ 8 to 10। बोल रहा है कि सर एक ऐसे बफर सॉल्यूशन का नाम बताओ जो कि पीएच मेंटेन करने के लिए यूज होगा 8 to 10 के बीच में, ऑलराइट। बट इन प्लेस ऑफ, ये याद रखना कैटायन 3A ग्रुप, ये दिखेगा तो इसका आंसर ये लिख के आना है आपको, ध्यान से देखो इसको। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, देखो इसमें दोनों भी अमोनियम अमोनियम है, जैसे मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे चेंजेस क्या है, हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर क्या है, क्लोराइड है, इतना क्लियर हुआ ना। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आएगा, ओके टेंशन मत लो, सारा का सारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर मैं करा के दूंगा विद एक्सप्लेनेशन, ओके। सो नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, राइट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट Bi2S3। इसको मैं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे करो, बोल रहा है कि सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल के बताओ इसका, राइट। तो देखो इसको जैसे कर रहा हूँ ना वैसे मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपको आ जाएगा। देखो कॉम्प्लेक्स कौन सा है, Bi2S3 है, तो इसको डिसोशिएट करो कुछ इस तरीके से, Bi लिख दो यहाँ पर प्लस S लिख दो। देखो अब ये क्या है, 2 है यहाँ, इसको आगे ले लो, तो ये 2 हम लोगों ने आगे ले लिया। फिर इसके बाद देखो ये 3 है ना, तो इसको 3 को आगे ले लो, तो ये 3 हम लोगों ने आगे ले लिया। तो जब एक मैं छोटी सी चीज बताता हूँ, ट्रिक है छोटा सा, इसकी ये देखो इसकी ये क्या है टोपी है, तो इसकी टोपी उसके सर, यानी कि इसकी टोपी कहाँ आ जाएगी, इसके सर, यानी कि 2 माइनस, ये देखो ये 3 है ना, ये 3 किसकी, एस की टोपी है तो ये इसके सर, हंसो मत एकदम इजी है ये, जस्ट छोटा सा ट्रिक है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, समझ में आ गया ना, इतना क्लियर हुआ। अब देखो आपको निकालने को क्या बोल रहा है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी, तो KSP बोल रहा है निकालने के लिए, ऑलराइट। तो देखो जस्ट सिंपल है एकदम, अब इसकी टोपी इसी के सर, यानी कि Bi लिखना है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, 3+ है, अब इसकी टोपी कौन सी थी, ये 2 थी ना, तो इसको इसी के सर लगा दो, यानी कि इधर पे 2 कर दो, क्लियर हुआ, समझा गया। पहले इसकी टोपी उसके सर, अब उसकी टोपी उसी के सर। अब देखो यहाँ पर ये S है, ऑलराइट, S के ऊपर कौन सा, 2 माइनस का चार्ज था, अब इसकी टोपी यानी कि क्या है, ये 3 है ना, तो 3 को इसी के ऊपर लगा दो ऐसे, तो ये हो गया KSP, आप लोगों ने निकाल लिया। सिंपल था ना, कुछ है क्या ये, हार्ड है क्या, नहीं ना, एक मार्क के लिए पूछ लेता है ये, किसी का भी दे देगा एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या करो, उसको सिंपल वे में जैसा मैंने सीखा उसको तोड़ो, फिर इसके आगे जो ये जो नंबर है ना, इसको स्टॉचियोमेट्रिक में ले लो, फिर इसी स्टॉचियोमेट्रिक यानी कि इसकी टोपी उसके सर कर दो, उसकी टोपी उसके सर, फिर इसकी टोपी इसी के सर, इसी की टोपी इसी के सर, दैट्स इट, हो जाएगा ये, ऑलराइट। सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द POH इफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन सॉल्यूशन इज इतना, ऑलराइट। पूछ रहा है POH निकाल के बताओ, ऑलराइट। अपने पास ना एक फॉर्मूला है pH निकालने का, ये अपने को याद है, हम लोग ने बेसिक्स में ही पढ़ा था, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ base 10 H3O+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, किसका, H3O+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो H3O+ आयन हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दे रहा है ना, तो इसको जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस लॉग 10 1 × 10⁻³। तो देखो इसको लॉग को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या है, ये -3 है ना, तो ये क्या आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा +3, तो इसका मतलब pH कितना निकल के आ गया, +3, समझा ना। ये लॉग कैसे सॉल्व किया मैंने, -3 को आगे ले लिया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, +3। अब क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है pH+, ये पी है, pH+ POH इक्वल टू 14। तो जब मेरे को यहाँ से pH पता है, कितना है pH, 3, अभी हम लोगों ने निकाला, तो 3 plus POH इक्वल टू 14। तो जस्ट मैं अब क्या कर लूंगा, ये प्लस में ना इसके साथ 3, तो फिर क्या हो जाएगा वहां पर जाकर के माइनस, तो POH इक्वल टू 14 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा बेटा 11, ऑलराइट। POH कितना हो गया हमारा 11, इतना समझा ना कैसे निकाला हम लोगों ने।
पहले पीएच का फॉर्मूला आ गया, फिर पीएच प्लस पीओएच का, दैट्स इट। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। सो नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर केएसपी और सीएफ2 के लिए निकालना है। राइट, मैं जस्ट जैसे आपको पहले बताया था ना, वैसे इसको भी करो। सीएफ2 है ना, तो सीएफ2 को डिसोशिएट करो। पहले कैसे करोगे, सीए लिखो प्लस एफ लिखो, फिर इसके आगे देखो कुछ पीछे नंबर था क्या, नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। फिर यहाँ पर क्या था, टू, तो ये टू इसके आगे आ जाएगा। ये इतना समझा गया कैसे किया मैंने। फिर अब क्या करना है, इसकी टोपी उसके साथ, यानी कि ये वन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा वन माइनस में, और ये टू किधर है, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये टू प्लस में हो जाएगा। ऑलराइट, इतना समझ में आया ना। तो जस्ट अब आपको समझना है जो मैं एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ पर एक एक्स लिखना है, एक्स क्या होता है, ये वन। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट देखना है, चार्ज नहीं, याद रखना, चार्ज नहीं देखना है। क्या देखना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट, ये ध्यान रखना। ओके, तो देखो इसका एक्स क्या है, स्टोइकोमेट्रिक ये वाला सी ए का, तो ये वन है। ऑलराइट, अब y देखो, y इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना है, टू है, ये याद रहेगा ना, ऊपर वाला नहीं है, आगे का स्टोइकोमेट्रिक नंबर से। तो जस्ट आपको एक फॉर्मूला याद रखना है KSP निकालने के लिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिंपल सा है। देखो x का पावर x लगाने का, इंटू करने का y का पावर y लगाने का, मल्टीप्लाई करने का s से, s यानी कि सॉल्युबिलिटी, और फिर x प्लस y कर देना है। समझ में आया ना, देखो ध्यान से कैसे करना है। एक्स के पावर एक्स यानी कि वन का पावर हो जाएगा वन, इंटू वाई का पावर वाई यानी कि टू का पावर हो जाएगा टू, इंटू एस एक्स प्लस वाई यानी कि वन प्लस टू, तो ये कितना आ जाएगा, देखो वन का पावर वन यानी कि वन, इंटू टू का पावर टू यानी कि कितना, फोर, इंटू एस वन प्लस टू यानी कि थ्री, तो ये दिस विल बी कम्स आउट टू बी फोर एस का क्यूब। इतना समझ में आया ना, सिंपल था ये। ऑलराइट, सो नाउ इसके ऊपर देख लेना, एक नया क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सो नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। द फिफ्थ क्वेश्चन इज गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस। एक एग्जाम्पल पूछ रहे, तो हम लोग दे देंगे एक एग्जाम्पल, अमोनियम एसिटेट। देखो ध्यान से कैसे, अमोनियम यानी कि NH4 ग्रुप है, एसिटेट यानी कि CH3COO, इसको हम लोग एसिटेट आयन बोलते हैं। ऑलराइट, व्हेनेवर इट कंबाइंस विद NH4 ग्रुप देन इट विल बिकम अमोनियम एसिटेट। एक एग्जांपल देना था वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए। सो नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए बफर सोल्यूशन। फॉर्मूला लिखने को बोल रहा है, समझ में आया। तो देखो इस तरीके से आपको फॉर्मूला लिखना है, पीएच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। अगर देखो ये पीएच की जगह पे ना, यहाँ पर अगर ओ एच लिख देगा ना, तो समझ जाना बेस के लिए पूछ रहे। तो क्या करोगे, पीएच की जगह पे ओ कर दोगे, यहाँ पे के ए को के बी कर दोगे, एसिड को क्या कर दोगे, बेस। इतना समझ में आया, ये के बी हो जाएगा और ये भी के बी हो जाएगा। समझ में आना, किसके लिए बोल रहा है, बफर सोल्यूशन के लिए, याद रखना, किसके लिए, बफर सोल्यूशन के लिए। सो नाउ मूविंग टू द सेवंथ क्वेश्चन। द सेवंथ क्वेश्चन इज लेबल द वन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ध्यान से, एकदम सिंपल है ये। देखो एक रिएक्शन हो रहा है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, तो इसमें बोल रहा है कि सर एक कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर लिख के बताओ। तो देखो ये CO3 किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, HCO3 के अंदर, मतलब एक हाइड्रोजन को क्या कर ले रहा है, ये एक्सेप्ट कर ले रहा है। ओके, तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। समझ में आया। और इस तरीके से देखो, आपने रिएक्शन को यहां से यहां देखा, अब यहां रिएक्शन को यहां से यहां देखो, HCO3 क्या हो जा रहा है, CO3 के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि एक अपने हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। जब भी कोई भी कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि प्रोटॉन्स जो भी है उसका हाइड्रोजन, उसको अगर डोनेट करता है, तो फिर वो एसिड हो जाता है। समझ में आ गया ना, ये तो एक बेस हो गया, ये एसिड हो गया। अब यहाँ से यहाँ इसको देखो, H2O है, H2O देखो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, OH के अंदर, तो मतलब ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, कम हो रहा है ना, H2O से OH में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। अब यहां से यहां देखो, मतलब कुछ इस तरीके से देखोगे, तो OH किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, H2O के अंदर, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट विल बिकम बेस। इतना समझ में आया ना, इजी था ये। चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द पीओएच ऑफ ए 10^-8 मोलर ऑफ एचसीएल। इसके लिए पीओएच निकालने को बोल रहा है, एकदम सिंपल है, जैसे अभी अभी हम लोगों ने पहले निकाला था ना, वैसे ही निकालना है। सबसे पहले क्या निकालोगे, पीएच, पीएच इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, यानी कि 10^-8 का आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, एकदम सिंपल वे में सिखा रहा हूँ। माइनस 8 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस 8। ऑलराइट, तो ये पीएच निकाल लिया प्लस 8। अब अपने पास एक फॉर्मूला है, क्या आपने को पता है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। सो सिंपली अपने को जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, पीएच कितना दिख रहा है, 8, तो 8 प्लस POH इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 14। इतना समझ में आया ना। अब देखो ये 8 क्या है, इधर पे प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो POH विल बी कम्स आउट टू बी 14 माइनस 8, सो दिस विल बी कम्स आउट टू बी 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, ये एकदम सिंपल था। ठीक है, इस पे एक में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, समझ लो इसको। सो नाउ मूविंग टू द चैप्टर नंबर 4, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। एकदम ईजी है, देखो ध्यान से। राइट द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन वेन वन मोलार ऑफ ए आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली फ्रॉम V1 टू V2। देखो अपने को मैक्सिमम वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन लिखने को बोल रहा है। ऑलराइट, इक्वेशन यानी कि, तो देखो अपने पास एक ही है मैक्सिमम वर्क डन के लिए। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली में वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2 में, तो अपने को इक्वेशन लिखने को बोल रहा है। इतना समझ में आना, तो अपने पास एक ही इक्वेशन है इसका,
क्या है बेटा देखो, डब्ल्यू मैक्स, बोलो मेरे साथ डब्ल्यू मैक्स, ऑलराइट, वर्क डन निकालने के लिए मैक्स, इसके लिए मैक्सिमम के लिए मैक्स यूज कर रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ध्यान से देखो, -2.303 एनआरटी लॉग 10 v2/v1। कितना समझ में आ गया ना, v2/v1 क्यों, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम v1 टू v2, इसके लिए v2/v1। ऑलराइट, समझ में आ गया ना, सिंपल था, यही एक फॉर्मूला लिखने को बोल रहा था। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने को बोल रहा है इन केस ऑफ CO2। ठीक है, तो सबसे पहले CO2 का फॉर्मेशन देखो कैसे होगा। देखो जब आप व्हेनेवर यू ऐड कार्बन और ऑक्सीजन, तो देखो ये इसको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, CO2। पर इधर पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कार्बन कौन से स्टेट में रहेगा, ग्रेफाइट के स्टेट में, यानी कि ये सॉलिड स्टेट में, और O2 किसके स्टेट में, गैसीय स्टेट में, और CO2 भी हमारा क्या होता है, गैस होता है। इतना क्लियर हुआ? तो देखो जस्ट इसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना है, और वो फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। अब समझ के लो, डेल्टा एन मतलब क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन कैसे निकालोगे आप लोग, सिंपली N2 माइनस N1 करोगे। इतना क्लियर हुआ क्या? तो देखो N2 आपका कितना दे रहा है यहाँ पर, स्टोइकोमेट्रिक प्रोडक्ट देखो कितना है, 1 है। तो फिर और रिएक्टेंट का भी देखो कितना है, 1, इसका 1 है ना यहाँ पर, कुछ नहीं मतलब 1, इसका भी 1, तो 1 माइनस 1 कर लो, तो सिंपली क्या आ जाएगा, 0। डेल्टा एन कितना आ गया आपका, 0। इतना समझा? तो जस्ट इस 0 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे डेल्टा एन के प्लेस पे, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, डेल्टा यू के। दैट्स इट, सिंपल था ना एकदम। सो नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन इज, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन किसका दे रहा है, वाटर का। ओके, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 0.018 किलोजूल ऑफ वाटर। मतलब इतने के लिए कितना लगेगा ये पूछ रहा है, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट आपको कॉम्प्लिकेट करने के लिए दिया गया है इस तरीके से। जस्ट इसमें आपको क्या करना है वो समझ लो, 0.018 केजी है ना, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, मल्टीप्लीकेशन विद 1000, तो दिस विल बी कम्स आउट टू बी 18। अगर आप वाटर के लिए केस में देखोगे तो वाटर का भी कितना होता है, 18, कुछ इस तरीके से। देखिए H2O है, तो हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ओके, तो फिर 16 और ये प्लस 2 कितना हो गया, 18। मतलब ये 18 और 18 क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -286। समझ में आ गया ना, सिंपल था ये। ओके, जस्ट क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेशन वे में दिया है, उसके अंदर ऐड किया, पर है कुछ नहीं, 0.180 इक्वल है वाटर के। तो फिर इसका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, तो इसका भी चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सेम ही होगा। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन इज, राइट द एक्सप्रेशन फॉर ए फर्स्ट ऑफ थर्मोलाइज। फर्स्ट ऑफ थर्मोलाइज के लिए बोल रहा है फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब देखो, मैं आपको ऑलरेडी MCQs वाले मॉड्यूल में समझा चुका हूं, ये टी थर्मल आ गया ना, तो मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। पर एक किसके लिए लिखना है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए लिखना है। किसके लिए लिखना है बेटा, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो देख, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्स्टेंट, तो ये जीरो हो जाएगा। इतना समझ में आया? हमारे पास एक फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, तो जस्ट मैंने क्या बताया कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू का वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से मैं क्यू निकाल सकता हूँ, प्लस डब्ल्यू ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। दैट्स इट, ये सिंपल सा एक्सप्रेशन था। समझ में आ गया ना? सो नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द साइन कन्वर्जन व्हेन अ वर्क डन इज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, देखो ध्यान से, आप लोग को पूछा साइन कन्वर्जन। ठीक है, साइन कन्वर्जन मतलब प्लस या नेगेटिव, ये दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, जब वर्क हो रहा है ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, मतलब सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है बाय सराउंडिंग के। इतना क्लियर हो गया ना? सो देखो इसको समझ के ले लो, सपोज यू हैव अ कंटेनर ओवर हियर। ओके, ये एक आपके पास कंटेनर है, इसके ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा दिया कुछ इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग मतलब ये सिस्टम है जिसके ऊपर आप काम करते हो, क्या होता है सिस्टम, और अदर देन सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग। तो मतलब बाहर से जब आप अंदर की तरफ काम करोगे तो वो टाइम पे साइन क्या होगा, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन समझा ना, बाहर से अंदर की तरफ काम करोगे तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। इतना समझा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। और जब आप अंदर से बाहर की तरफ काम करोगे तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं बाहर से, तो इसका पॉजिटिव आ जाएगा आंसर। इतना समझ में आ गया ना? तो समझ में आया ना कब क्या होता है, जब बाहर से सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ काम करोगे तो पॉजिटिव, और जब अंदर से बाहर की तरफ काम करोगे तो नेगेटिव। इतना क्लियर हो गया ना? So we have to just be positive. So now, moving to the next question. Question number 6. ध्यान से देखो, इसको मिस मत करो. Question number 6 is, write the expression showing the relationship between enthalpy change and the internal energy change for a gaseous phase reaction. Enthalpy change or internal energy change बोल रहा है gaseous phase reaction के लिए. तो देखो,
इंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू से डिनोट करते हैं, प्लस एनआरटी वाला अपने पास फॉर्मूला था ना, तो वही लिखना है डेल्टा इक्वल्स टू एनआरटी। पर ये किसके लिए पूछा, गैसेस के लिए, तो यहाँ पे जी लगा दो, सिंपल था, दैट्स इट। एक्सप्रेशन वाले जितने भी रहते ना सब सिंपल रहते हैं, जस्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सो नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चा आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लेना, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ओके। नहीं आएगा ना तो मुझे कमेंट सेक्शन बोल देना, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो जस्ट अगर आपको मेरी हेल्प करनी है, बाकी के स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है, तो इस वीडियो को शेयर करिए, ओके। और इस वीडियो को जस्ट एक से दो बार देख लोगे तो ये आपको सारा का सारा आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतना। पर अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड स्टडी लाइक देर इज नो टुमारो, ओके। जैसी मेरी वीडियो आती है तुरंत देख करके उसको खत्म करो, ऐसा मत करो कि कल देख लेंगे परसों देख लेंगे, टुमारो के ऊपर मत डालो, अगर टुमारो के ऊपर डालोगे तो लेट हो जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।